आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर पर बड़ा जानलेवा हमला हुआ है। सहारनपुर के देवबंद इलाके में भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर हमला किया गया। इस जानलेवा हमले में चंद्रशेखर उर्फ रावण बाल बाल बच गए। कार सवार अज्ञात हमलावरों ने चंद्रशेखर की कार पर गोली बरसा दी। चंद्रशेखर पर हुए हमले ने अब यूपी में सियासी उबाल ला दिया। चंद्रशेखर रावण पर हुए हमले के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर प्रशासन और सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। उन्होंने लिखा कि सहारनपुर के देवबंद में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर सत्ता संरक्षित अपराधियों के द्वारा जानलेवा हमला घोर निंदनीय एवं कायरतापूर्ण कृत्य। बीजेपी राज में जब जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं तो आम जनता का क्या होगा, यूपी में जंगल राज है। अखिलेश यादव ने फोन पर चंद्रशेखर आजाद से बातचीत की और उनका हालचाल लिया। इस घटना पर ट्वीट कर समाजवादी पार्टी के प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है। पार्टी ने ट्वीट कर लिखा है कि देवबंद में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर सत्ता संरक्षित अपराधियों के द्वारा जानलेवा हमला घोर निंदनीय और कायरतापूर्ण कृत्य है। बीजेपी राज में विपक्षी नेता ही सुरक्षित नहीं, यूपी में जंगल राज। गंभीर विषय है, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, कभी वो खुलेआम पुलिस की मौजूदगी में गोली चलाते हैं, कभी वो कोर्ट परिसर में गोली चलाते हैं, और आज दलितों की वंचितों की लड़ाई लड़ने वाले चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर जिस प्रकार से हमला हुआ है, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के शासन की जो नाकामी है उसकी ये खुला एक उदाहरण है। और जिस तरह से भाजपा के सांसद खुलेआम लोगों को पुलिस वालों को पीटते हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, और यहाँ पे हमलावर खुलेआम हमले कर रहे हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है, ये देखने की बात है। देखिए, सहारनपुर में देवबंद में जो भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर रावण पर हमला हुआ है, ये तो सीधे सीधे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर हमला है। जो पिछड़े दलितों की लगातार आवाज उठा रहा हो, आज वही अगर सुरक्षित नहीं है बीजेपी सरकार में तो कौन सुरक्षित होगा? या नेता सुरक्षित नहीं है, अपनी पार्टी के मुखिया सुरक्षित नहीं है, और ये जानबूझ के कराया जा रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो हत्याएं हो रही हैं, जो हमले हो रहे हैं, आधे हमले अपराधी कर रहे हैं, आधे हमले तो सरकार द्वारा प्रायोजित हैं, तो ये हमला किसके द्वारा है ये जांच का विषय है। लेकिन उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था मर गई है, सांस नहीं चल रही है कानून व्यवस्था की। अब सरकार बताए, टेम्परेरी डीजीपी बताएं कि आखिर उत्तर प्रदेश अपराधी क्यों चला रहे हैं उत्तर प्रदेश को? लोग कह रहे हैं बीजेपी के लोग चला रहे हैं। हमारा आरोप है उत्तर प्रदेश सिर्फ और सिर्फ अपराधियों के हाथ में है और अपराधी ही उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं। वहीं शिवपाल यादव ने भी इस घटना पर ट्वीट किया है। इसमें लिखा है, प्रदेश में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अराजक तत्व अपनी सभी हदों और सरहदों को तोड़ने में लगे हैं। यूपी में विपक्ष अब सत्ता और अपराधियों दोनों के निशाने पर है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर हुआ जानलेवा हमला देश के खोखले हो चुके कानून व्यवस्था के लिए एक अलार्म है। जाग जाओ सरकार। आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण ने भी एक वीडियो जारी करते हुए अपने कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की है।